विराट कोहली और गौतम गंभीर साल 2011 के वर्ल्ड कप विनर्स और टीम इंडिया के सदस्य। गौतम गंभीर पूर्व सदस्य हैं और विराट अभी भी खेल रहे हैं। इन दोनों में एक खास बात है कि ये दोनों दिल्ली से आते हैं। हालांकि इनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दोनों कई बार मैदान पर भिड़ चुके हैं। इसी महीने की पहली तारीख को भी दोनों के बीच भिड़ंत हो गई थी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुए लीग मैच के बाद दोनों के बीच हुई बहस ने बहुत चर्चा बटोरी। पिच पर अग्रेशन दिखाने के लिए मशहूर इन दोनों प्लेयर्स ने मैच के बाद काफी बहस की थी और इसके चलते दोनों पर पेनल्टी भी लगी थी। और अब इस पर पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कॉमेंट किया है। शास्त्री का मानना है कि थोड़ी बहुत बकझक तो चलती है, लेकिन इसे लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए। अगर ये लाइन क्रॉस करे तो मैच रेफरीज में इससे डील करे। शास्त्री ने क्रिकेट इन्फो से कहा, फील्ड पर आपको थोड़ी कहा सुनी तो चाहिए ही होती है, लेकिन आप एक लाइन भी खींचते हैं और ये देखने के लिए वहां मैच रेफरी हैं। जब आप पर एक या दो बार फाइन लगता है फिर आप ठीक हो जाते हैं। इस बहस पर बहुत सारी बातें हुई थी और इन बातों में से एक बात ये भी थी कि गंभीर और कोहली जैसे कद के प्लेयर्स को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश मिलता है और इस बहस को टीवी पर नहीं दिखाया जाना चाहिए था। हालांकि शास्त्री इससे उल्टा सोचते हैं। उनका मानना है कि ये दिखाया जाना जरूरी था, इससे इसमें शामिल पक्ष अपने व्यवहार को खुद जज कर पाएंगे। शास्त्री ने कहा, बहुत से लोगों ने मुझे कहा ये IPL है, ये लाइव टेलीकास्ट है, वो लोग दो प्लेयर्स की लड़ाई क्यों दिखा रहे थे। ओके, ठीक बात है, लेकिन दुनिया ने इसे देखा। अब मैं आपको इसके पॉजिटिव बताता हूँ। इसे देखने के बाद दोनों प्लेयर्स अगली बार अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वहां हर वक्त उन पर एक कैमरा है, फिर वो इसे देख रही बड़ी ऑडियंस के लिए सही काम करेंगे। बच्चे, पेरेंट्स, दोस्त, फिर आपको पता होगा कि सीमा क्या है। क्या मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया? क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी? क्या ये खेल भावना के अनुरूप था? क्या हारने के बाद मेरी खराब इमेज दिखी? ये सारी बातें तुरंत दिमाग में आएंगी जब आप वो फुटेज देखेंगे और फिर आप सीखेंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पर फिर से फाइन लगेगा या आप सस्पेंड होंगे। बता दें कि इस बहस के बाद गंभीर और कोहली पर 100% मैच फीस का फाइन लगा था, जबकि इसी में शामिल नवीन उल हक पर मैच फीस का 50% फाइन लगाया गया था। और इस घटना के बाद से लखनऊ की टीम और नवीन को एक से ज्यादा बार कोहली कोहली के नारे सुनने पड़े हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।